नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र पाठ 5 राज्य सरकार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 5 राज्य सरकार, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। उसमें से पहला है महाराष्ट्र विधि मंडल का शीतकालीन सत्र खाली जगह में होता है। ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद। इसके उत्तर में आएगा नागपुर। महाराष्ट्र विधि मंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति खाली जगह द्वारा की जाती है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश। इसके उत्तर में आएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरे में क्या दिया गया है, राज्य विधि मंडल का सत्र बुलाने का अधिकार खाली जगह को होता है। इसके ऑप्शन में दिया गया मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और अध्यक्ष। इसके उत्तर में आएगा राज्यपाल। राज्य विधि मंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सारणी पूर्ण करो। यहाँ पे सारणी दिया गया है, यहाँ पे क्रमांक दिया गया है 1, 2 और सदन दिया गया है विधानसभा महाराष्ट्र और विधान परिषद महाराष्ट्र। उनका कार्यकाल बताना है, उनके सदस्य की संख्या बताना है, उनका चुनाव का स्वरूप बताना, उनके प्रमुख बताना है। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी चुनाव हो सकते हैं। इनमें सदस्य कितने होते हैं, 288 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव का स्वरूप कैसा होता है, पहला है जनता द्वारा चुनाव, दूसरा है एंग्लो इंडियन समाज के एक प्रतिनिधि की आवश्यकता अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, तीसरा है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान होते हैं, और इनके प्रमुख कौन होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा के सदस्यों में से एक का चुनाव अध्यक्ष के रूप में होता है। और उसी तरीके से विधान परिषद में क्या होता है, उसकी कार्यकाल कितने की होती है, ये अस्थायी सदन होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनमें कितने सदस्य होते हैं, 78 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव का स्वरूप कैसा होता है, पहला है कला साहित्य आदि क्षेत्रों के कुछ तज्ञों की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, दूसरा है कुछ प्रतिनिधियों का विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव, तीसरा है कुछ प्रतिनिधियों का स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा चुनाव, चौथा है कुछ का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव, और पांचवा है कुछ का स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव। इनके प्रमुख को क्या कहा जाता है, अध्यक्ष। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, टिप्पणी लिखो। उसमें से पहला है राज्यपाल, राज्यपाल पर टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, राज्यपाल घटक राज्य के नामधारी प्रमुख होते हैं, राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलता है। दूसरा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति की इच्छा होने तक ये अपने पद पर रहते हैं। तीसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। चौथा, राज्य का प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कुछ महत्वपूर्ण कानून विषय तथा कार्यकारी अधिकार होते हैं। सो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, मुख्यमंत्री के कार्य, मतलब बताना है कि मुख्यमंत्री का कार्य क्या क्या है। इसके उत्तर में है, राज्य का वास्तविक प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला है कार्यक्षम एवं अधिकाधिक प्रतिनिधिक मंत्रिमंडल का गठन करना, दूसरा चुने गए मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करना, तीसरा है सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, मंत्रिमंडल का मतभेद मिटाना और मंत्रियों से उचित एवं आवश्यक कार्य करवाना, चौथा है राज्य का नेतृत्व करना, राज्य की नीतियां निर्धारित करके उनका कार्यान्वयन करना और जनता की समस्याएं हल करना, ये सारे कार्य मुख्यमंत्री के हैं। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य नीचे दिए अनुसार है। उसमें से पहला है सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलाना, दूसरा है विधानसभा के अधिवेशन की कार्यवाही अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में चलती है, तीसरा है यह कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से करने के लिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करना, और चौथा है सदन में असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को निलंबित करना।
दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, संविधान ने भारत के लिए संघ राज्य व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया। इसके उत्तर में आएगा पहला, भौगोलिक दृष्टि से भारत का विस्तार बहुत बड़ा है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। तीसरा, भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, रूढ़ियों, परंपराओं तथा भाषाओं के लोग रहते हैं। चौथा है, इस विस्तार और विविधता के कारण भारत में अकेले केंद्र सरकार संपूर्ण देश का शासन नहीं चला सकती, अर्थात भारत में एकात्म राज्य पद्धति उपयुक्त नहीं है, इसलिए संविधान ने भारत के लिए संघ राज्य व्यवस्था को स्वीकार किया। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, विभागों का वितरण करते समय मुख्यमंत्री किन बातों पर विचार करते हैं। इसके उत्तर में आएगा, मंत्रिमंडल का गठन हो जाने के बाद मुख्यमंत्री को विभागों का वितरण करना पड़ता है। विभागों का वितरण करते समय उन्हें निम्नलिखित बातों पर विचार करना पड़ता है। उसमें से पहला है, विभिन्न विभागों में कुछ विभाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर विभागों का वितरण करना पड़ता है। कैबिनेट और राज्य मंत्री जैसे मुद्दे पर भी विचार करना पड़ता है। दूसरा है, चुने गए मंत्रियों के कार्य अनुभवों तथा कार्य क्षमता पर ध्यान देना पड़ता है। तीसरा, मंत्रियों के राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल तथा उनकी अभिरुचि पर विचार करना पड़ता है। चौथा है, जन भावना को समझने की शक्ति तथा प्रभावशाली नेतृत्व पर भी ध्यान देना पड़ता है। गठबंधन की सरकार होने पर भी विभाग वितरण के समय इसी तरह विचार करना पड़ता है। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि हम उसको और भी ज्यादा सुधार कर सके। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोगों को भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।